To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. My YouTube channel Versatile Ashutosh. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फिबोनैसी रिट्रेसमेंट का जो पहला वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने फिबोनैसी रिट्रेसमेंट के बारे में बताया था कि होता क्या है, किस तरह से इसके फिबोनैसी रिट्रेसमेंट लेवल्स कहाँ से आए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताया। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि फिबोनैसी रिट्रेसमेंट को हम कैसे टूल्स से हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहला वीडियो को देखिए, उसमें आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि फिबोनैसी रिट्रेसमेंट होता क्या है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो, अगर नहीं ऑलरेडी अगर आपको पता है फिबोनैसी रिट्रेसमेंट क्या होता है तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है एक चार्ट ओपन करता हूँ, ये मेरा जिरोधा का मैंने अपना पेन जो है यहाँ पर ओपन किया है, और उसके बाद मैं देखिए मैंने जो है ये यस बैंक का चार्ट है, यस बैंक का चार्ट है, वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में यहाँ पर देखिए जो कैंडल मैंने ली हुई है, अगर आप कैंडल देखें हाइकनेशी कैंडल है, ठीक है, हाइकनेशी कैंडल लिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आप स्टडीज में जाकर के एमएससीडी लेंगे। एमएससीडी हम क्यों ले रहे हैं, एमएससीडी सिर्फ हेल्प के लिए ले रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करें, तो उसके लिए हेल्प के ले रहे हैं। अगर कोई मतलब ऑलरेडी कोई अगर एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट को तो हम बता नहीं सकते, एक्सपर्ट के लिए वीडियो है भी नहीं है। अगर कोई ज़्यादा एक्सपर्ट, क्योंकि अगर वो एक्सपर्ट है तो उन लोगों के लिए, उनको लोगों को सब कुछ पता है कि कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना है, उनको ये भी पता है कि कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा सपोर्ट, उनको सब कुछ पता है, तो उन लोगों के लिए वैसे भी नहीं है ये लोग, उन लोगों के लिए जो कि जिनको नहीं पता है कि कन्फ्यूजन है ड्रॉ करने में, ठीक है। तो वहाँ कैसे ड्रॉ करना है हम देख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने का फिबोनैसी सिलेक्शन कर लिया हमने, फिबोनैसी सिलेक्शन करने के बाद हमें क्या देखना है, ये क्रॉसओवर, अब ये क्रॉसओवर हुआ यहाँ पर और अगला क्रॉसओवर यहाँ हुआ, ये क्रॉसओवर यहाँ हुआ, लेकिन जैसा कि क्रॉसओवर हो रहा तो यहाँ पर हुआ, लगभग यहाँ पर हुआ, इस जगह पर हुआ, ठीक है, थोड़े समय बाद हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई इशू नहीं है, यहाँ पर हुआ कोई इशू नहीं। हम अब सोच रहे हैं कि हम इसमें कब एंट्री करें, तो हम ऊपर से लेकर के ड्रॉ करेंगे, ऊपर के हाई से लेकर नीचे के लो तक हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये हम इसको ड्रॉ किया, ड्रॉ करने का आप देखिए यहाँ पे 38 पॉइंट, क्योंकि 38.2 है, 50 है और 61, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। ये क्या दिखा रहे हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबल रेजिस्टेंस है। तो आप देखिए ये 38.2% के रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया और रिटर्न आ गया। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मतलब थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए, महीने दो महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बेटर है कि आप यहाँ पर, ये यहाँ पर 68.1 का अगर ये तोड़ देता है, रेजिस्टेंस तोड़ देता है, तो फिर हम जो इसमें आगे एंट्री कर सकते हैं कि हाँ, और उसमें जो है थोड़ा आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को चेक करिए कोई भी, अगर ये तो एक सिंपल वन इंडिकेटर है जो कि हमें बता रहा है, उसके साथ में हम एक दो इंडिकेटर और आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि एक ही चीज़ से हम जो कभी भी कोई भी इन्वेस्टर जो है केवल एक इंडिकेटर को देख करके इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरह से हम फिबोनैसी रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर आपका देख रहे हैं तो ये यहाँ पर 61.8 के अगर लेवल को ब्रेक करता है तो फिर ये अपट्रेंड हम इसको बांध सकते हैं कि अपट्रेंड में आने की संभावना। बट अभी देखिए आप 38.2 से लेकर के रिवर्ट हो गया, और एमएससीडी का हमने सब इस्तेमाल यहाँ पे ये किया है कि हमें पता लग जाए कहाँ से कहाँ तक इसको ड्रॉ करना है। हम और देखते हैं, जैसे कि आप देखिए अगर हम इसको आगे देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा अर्न करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर ये एमएससीडी का क्रॉसओवर हुआ, उसके बाद में इसने क्रॉसओवर यहाँ दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है, जहाँ भी दिया कोई इशू नहीं है। उसके बाद में आप देखिए यहाँ से लेकर के हम इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, कहाँ से बॉटम से लेकर टॉप तक ड्रॉ किया। उसके बाद हमें यहाँ पे पता लग गया कि ये लीडिंग इंडिकेटर हमें पहले से पता लग गया 68.8, मतलब ये लगभग 357, तो हमें पहले से पता था कि 357 से ये रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि ये गोल्डन रेशियो है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से रिवर्सल की बहुत ज़्यादा संभावना है। और देखिए आपको तो ये जो है कहाँ पर दिया था, इसने क्रॉसओवर यहाँ पर दिया था, बट आपको पहले से पता था कि यहाँ से रिवर्स कर सकता है, क्योंकि आप अगला इसका क्रॉसओवर कहाँ बनेगा ये नहीं आपको बता सकते, ये आप बता नहीं सकते। बट यहाँ से प्राइस एक्शन की बात करें, एमएससीडी का ज़्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं, एमएससीडी का तो बस हमें एक हेल्प करने के लिए, अगर आपको पहले से पता है, अगर आप जानते हैं कहाँ से कहाँ तक ट्रेस करना, तो एमएससीडी का इस्तेमाल भी आप ना करें, कोई इशू नहीं है, आप दूसरे इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से लेकर के हमने इसको यहाँ तक ड्रॉ किया और हमें पहले से पता था कि यहाँ तो आप यहाँ से एक बाय का, यहाँ से लगभग इसके ऊपर से यहाँ से आप एक बाय का सिग्नल बना सकते थे, कि बाय का सिग्नल बनाने के बाद में स्टॉप लॉस का रखेंगे। स्टॉप लॉस जनरली क्या लोग रखते हैं, अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे बाय किया
आपको पता है कि यहाँ से ये रिट्रेस करेगा, वापस से बाउंस बैक करेगा। तो आपने क्या करा कि यहाँ अगर आप क्या करेंगे कि अगर 61.8 पर बहुत से लोग क्या स्टॉप लॉस बना लेते हैं, तो यहाँ पर मत बनाइए, इसके 1-2% नीचे तक बनाइए, क्योंकि बहुत से लोग बना के रखते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस, तो बहुत से लोग बना के रखते हैं तो बहुत सी बार यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और खत्म हो जाता है। अगर तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा 1-2% और नीचे बना के रखिए, ताकि यहाँ से अगर आपने बाय किया तो फिर आपको देखिए यहाँ से लेकर के अगर आपने यहाँ 362 से लेकर के आपको जो है लगभग आपको यहाँ तक पूरा 362 लगभग 30-40 पॉइंट्स का जो है आपको 40 पॉइंट का यहाँ प्रॉफिट मिला, ठीक है। और आपने ये भी देखा कि यहाँ पर जो है, तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप कहीं भी देखेंगे यहाँ से यहाँ कर देखिए, आप और भी दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे मान लीजिए कि ये अगला लेवल ये देखिए, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको यहाँ से ड्रॉ करना चालू किया हमने, और इसको ड्रॉ कहाँ तक किया हमने, यहाँ तक। आप फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 61.8 लेवल को छूने का इसने कोशिश की है, क्लोज नहीं हुआ, बस एक दिन के लिए यहाँ पर आया था और क्लोज, लेकिन कहाँ हुआ है, ये 50% के रिट्रेसमेंट लेवल से ही ऊपर की ओर चला गया। तो आपको ये देखिए यहाँ पर ये जो हिस्टोग्राम के मेरे बारे में शायद मैंने आपको बताया था कि हिस्टोग्राम के कुछ यूज करते हैं, हिस्टोग्राम ने यहाँ पर भी हमें इंडिकेट कर दिया था क्रॉस ओवर तो यहाँ हुआ है, पर हिस्टोग्राम ने हमें यही इंडिकेट कर दिया था कि इसकी स्ट्रेंथ कमजोर हो रही है, स्ट्रेंथ कमजोर हो रही है, तो स्ट्रेंथ कमजोर हो रही है। और आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा था उसका, तो वॉल्यूम ही नहीं आ रहा था इसमें, तो स्ट्रेंथ कमजोर हो रही है। तो आप जो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ आप थोड़ा थोड़ा बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, 61.8 के थोड़ा सा नीचे, अगर यहाँ नीचे आया तो आप एग्जिट कर सकते हैं। बट यहाँ देखिए यहाँ अगर आपने बाय किया शॉर्ट टर्म के लिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको क्लियर कट एक अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को यहाँ पे मिला, ठीक है। और दूसरा अगर साथ में अगर आप यहाँ पे अगर देखेंगे, तो अगर आप जब एग्जिट करेंगे तो एग्जिट करने के लिए सीधी सी बात है, या तो आप यहाँ पे पिवट पॉइंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको एंट्री इसने दिलवा दी यहाँ पर कि एंट्री आपको पता थी कि यहाँ पे जो है रिट्रेस करेगा, आपको पहले से पता था कि यहाँ से रिट्रेस कर सकता है 38.2, 50% और 61.8, ये तीन लेवल है यहाँ से रिट्रेस। तो यहाँ से इसने देखिए 50% रिट्रेस बराबर किया है। अब यहाँ देखिए अगर आप यहाँ पे बने रहते हैं उसके बाद में यहाँ जो ये जो है हिस्टोग्राम ने जो हमें यहाँ से बताया था कि भैया ये ट्रेंड जो है इसका स्ट्रेंथ कमजोर हो रही है, जो ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ कमजोर हो रही है, क्रॉस ओवर भले यहाँ दिया हमें, इससे मतलब नहीं, हमें देखना ही नहीं इस चीज़ को, ये स्ट्रेंथ कमजोर हो रही है, तो यहाँ पे जाकर के इसको एग्जिट कर सकते थे यहाँ पे कहीं भी। अगर आप इसका नहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो भी आप प्राइस एक्शन को देख करके, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख करके, आप उसको पिवट पॉइंट को देख करके आप एग्जिट आराम से कर सकते थे। अब देखिए एक और चार्ट दिखाता हूँ, जिसे आपके इसी में चलो एक बार हम इंट्राडे भी देख लेते हैं। इंट्राडे में अगर इस्तेमाल करेंगे आप इसको, तो यहाँ पे हम वन डे की जगह 5 मिनट्स ले लेते हैं। 5 मिनट्स लिया आपने, ये इंट्राडे हमारा इंट्रा है, ये देखिए इंट्राडे, एक मिनट रुक गया। अब देखिए यहाँ पर ये डे का स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे इसने लगभग क्रॉस ओवर दिया, तो हमने क्या करा, सिंपल सा क्या करा, यहाँ से लेकर के इसको कि यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ तक ड्रॉ कर लिया तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय कर लेते हैं, जैसे यहाँ तक आया ना, तो आप मान लीजिए बाय कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप बाय करते हैं, अब बाय करने के बाद जब आपको जैसे मान लीजिए इसने भी आपको बाय किया, आपने मान लीजिए आपने एमएससीडी की हेल्प लेकर के बाय कर लिया, तो अब आप टारगेट क्या बनाएंगे, तो टारगेट के लिए सीधा सा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि 38.2 इसका पहला रेजिस्टेंस है, 50% और 61.8 ये थर्ड रेजिस्टेंस है, मगर तो आप ये पहला टारगेट इसका बना सकते हैं कि 38.2 का जो पहला टारगेट बना सकते हैं। तो यहाँ तक देखो टारगेट इसने अचीव किया है बराबर, 38.2 का टारगेट आपका अचीव हुआ है। तो आप इस तरीके से टारगेट भी बना सकते हैं, इससे यहाँ पे आपने बाय किया तो टारगेट आपको समझ में नहीं आ रहा टारगेट क्या हुआ, तो टारगेट आप सीधी सी बात है 38.2% का लेवल है ये आपका टारगेट हो सकता है यहाँ पे सीधा सा। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल इंट्राडे बेसिस पे भी कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए अगर 1 मंथ 2 मंथ या 1 मंथ या 15-20 दिन के लिए करना चाहते हो तो उसमें कर सकते हैं। अगर आप जैसे ये दूसरा चार्ट लेता हूँ, जैसे रिलायंस का लिया, रिलायंस में भी आपको दिखाता हूँ कि रिलायंस में किस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे। सीधा सा है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ओल्डमेंट लिया हुआ है। अब मान लीजिए अगर आप यहाँ करते हैं, तो पहले तो उसमें एमएससीडी ले लेते हैं, हम एमएससीडी लेते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन है ना तो एमएससीडी आपको थोड़ा सा हेल्प कर देगा ड्रॉ करने में, कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करें हम इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर दिया। बट आप एक चीज नोटिस करेंगे कि अगर आप छोटी छोटी चीजों को अगर देखते हैं, छोटी छोटी चीजों को अगर आप देखते हैं, अब आप क्या यहाँ देखिए मैं बताऊँ, यहाँ ड्रॉ करते हैं, जैसे कि यहाँ से लेकर के हमने ये यहाँ तक ड्रॉ किया। अब देखिए यहाँ पे जो 61.8 देख रहे हैं आप, 61.8 लेवल को
टच कर करके ये रिटर्न जो इसने वो कर लिया। तो हमें क्या है एक्चुअली 61.8 क्या दिखा रहा है, हम अगर मान लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो आप कहाँ यहाँ भी एंट्री कर लेंगे, यहाँ भी एंट्री कर लेंगे, लेकिन अब मान लीजिए ये स्टॉक यहाँ तक आ गया, आपको पता लग गया यहाँ क्रॉसओवर यहाँ पे बना है, तो आपने यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। मान लीजिए यहाँ इस क्रॉसओवर बना, कोई इशू नहीं, आपने यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद आप वेट करेंगे लेकिन एंट्री के लिए, तो एंट्री के लिए आपको पहले से पता है कहाँ एंट्री करना हमें यहाँ तक। तो आप देखिए 61.8% इसने टच किया, तो आप लगभग यहाँ के आसपास एंट्री कर सकते हैं, और 61.8 के थोड़ा सा 1-2% नीचे आप स्टॉप लॉस बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने एंट्री किया तो यहाँ पर लगभग आपको यहाँ से यहाँ तक आपने शानदार आपको प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। इस तरह से आप कहीं भी अगर आप इसको अप्लाई करेंगे, जैसे ट्रेंड बना हुआ है कंटिन्यूसली इस स्टॉक में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो भी आपको सेम वही देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पर इसने क्या है 38.2% इसने रिट्रेसमेंट किया, उसको वापस से बाउंस बैक किया। तो आपको ये जो ये लेवल जो है 38.2, 50%, 61.8%, ये एक पॉसिबल एंट्री पॉइंट आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद आपको थोड़े समय में ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को यहाँ मिल सकता है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको कुछ समझ में आया होगा कि इस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करना है। If you like this video, subscribe my channel. Thank you very much.